इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अभी जो डैड की कंडीशन है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये तुम कैसे कह सकते हो करण? मेरी वजह से कैसे? देखो तुम हर बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। और अभी तो बात महेश अंकल की, वो मेरे पापा के जैसे। मैं अब ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी करण, मेरी वजह से नहीं हुआ है कुछ। रियली? तो क्या ये सच नहीं है कि एक्सीडेंट से पहले भाई तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे? हाँ, अंकल मेरे घर जरूर आए थे, लेकिन मेरी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो तो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। तुमने किया ना ये? तुमने कुछ किया ना? ये इसकी वजह से हुआ है, जरूर इसको। ओके। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप प्लीज यहां से जाइए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप कुछ मत बोलिएगा, नहीं तो मैं अपने आप इसे बाहर आ जाऊंगा। ऋषभ जी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप तो कहते थे ना कि आपको मुझ पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। विश्वास था। मैंने कहा था, मैंने गलती की थी, उसका नतीजा भी मैं भुगत रहा हूं। यू भी दौड़ा, अब तुम हम सबके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम फिर से हमारे सामने आओगे, दो आंसू बहाओगे तो हम तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे? हाँ, तुम पे विश्वास करेंगे? तुम्हारी गलतफहमी यही है, क्योंकि अब तुम्हारी जगह ना तो हमारे दिल में, ना हमारे घर में, और ना ही हमारी फैमिली में, समझी? तुम पर एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं, हम सब की है। जरूरत से ज्यादा विश्वास किया तुम पर, सिर पर चढ़ा लिया तुम्हें, इसलिए शायद डैड को लगा कि तुम हमारी जिंदगी से चली गई तो हमारी खुशियां चली गई, हमारे घर में मायूसी छा गई, हम सब तुम्हें मिस करने लगे। लेकिन नहीं प्रीत, और ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम हमारे परिवार की खुशियां नहीं थी, ना कभी थी और ना कभी होगी। इनफैक्ट अगर तुम हमारे घर आना छोड़ दो ना, तो हम सदा खुश रहेंगे, समझी? तुम मेरा करण पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रीता, अब तुम मेरी लकी चाम नहीं रही, तुम हमारे घर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हो, चली जाओ यहां से। और पुत्र, मैं इलाज किसी और से करवा लूंगी, तू चली जा। तुम्हें पहचानने में तो मैं भी बहुत बड़ा धोखा खा गई प्रीता, मुझे लगा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो तुम, लेकिन तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो प्रीता।